हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक यूपन। रियलमी सी फिफ्टीन पर जो रियलमी यू आई 2.0 और जो एंड्रॉयड 11 वाला बीटा अपडेट मैंने कर लिया है एक्चुअली, तो इसमें क्या क्या डिजाइन और यू आई में चेंजेस है थोड़े बहुत आपको फास्ट लुक दिखाएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देख रही है। सो है फ्रेंड्स, मैं हूं दबोस। तो ये है रियलमी C15। इसमें एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 बीटा अपडेट कर लेने के बाद इसका UI चेंजेस में क्या क्या आया है थोड़े बहुत लुक्स आपको दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले आप देखेंगे ऐप ड्रॉवर आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन में दिखेगा और नोटिफिकेशन सेट टोटली बदल चुका है जहाँ पर आप नोटिफिकेशन टॉगल को यूज़ करते हैं। रियलमी UI में जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है रियलमी UI 2.0 में आपको और भी देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन का आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वॉलपेपर तो साधारण चीज़ है, आइकॉन्स में आप बहुत सारे छह बदल कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और तो और आप जो इधर कॉलम्स है एक साइड में कितने एप्लीकेशन आप रखेंगे वो भी आप कर पाएंगे, और इधर जो आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जब स्क्रॉल करेंगे साइड बाय साइड वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। अभी सेटिंग के अंदर जाते हैं और आपको दिखाता है कि एंड्रॉयड वर्सन में आपको कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आपको रियलमी 2.0 और एंड्रॉइड वर्सन आपको 11 देखने को मिलेगा। तो ये है एंड्रॉइड 11, तो आपको मालूम ही होगा इसका जो लोगो है एक्चुअली, तो एक उस तरह से है। कैमरा यूआई में आते हैं, तो कैमरा कितना इंप्रूव हुआ है नहीं वो बाद में बात करेंगे, कैमरा यूआई में कितने सारे चेंजेस देखने को मिलेगा वो आज हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे जूम का जो अभी जो नया स्टाइल आपको देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, 1, 2 and 4x जूम आपको बीच में मिल जाएगा, उस तरह से आप टैप करके या फिर आप घुमा कर भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड और जो फोटो मोड इस तरह का आपको मिल जाएगा, सेल्फी भी आप देख सकते हैं। अभी बात में बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि कैमरा कितना इंप्रूव हुआ है, इस तरह से सेटिंग आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा आपको येलो कलर इस देखने को मिल सकता है, और ये तो क्रोम बूस्ट आपको मालूम ही होगा, क्रोमा बूस्ट एक्चुअली। सेटिंग के अंदर अभी आपको वाटर मार्क आपको नया देखने को मिलेगा, अभी जो नया फ़ोन में जो रियलमी नया फ़ोन में जो वाटर मार्क आता है रियलमी बड़ा बड़ा लोगो करके, बड़ा मतलब कि येलो टाइप्स, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने टैप किया, अभी आप देखेंगे इस तरह का रियलमी का लोगो और शॉर्ट ऑन आपको दिखाएगा, तो इस तरह का चेंजेस आया है। अभी बात करें सेटिंग के अंदर पर्सनलाइज की, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि नोटिफिकेशन ड्रावर इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, सेप भी चेंज कर सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रावर का। आप देखिए अभी स्क्वायर है, फिर आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद आया कि अभी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है रियलमी UI में। और जैसे आपको पहले दिखाया था कि आइकॉन्स का आप सेप चेंज कर सकते हैं, जी हाँ सेप वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, आपको ऐप लेआउट जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था रो में भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं रो, तो ये भी काफ़ी पसंद आया मुझे। और एक बात कि अभी जो आपको नोटिफिकेशन ड्रावर देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया है क्लॉक के साइड का जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा आपको नहीं नज़र आएगा शायद, लेकिन हाँ वो जगह ट्रांसपेरेंट है, जी हाँ ये जो साइड है ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद आते हैं रियलमी लैब का, तो रियलमी लैब में आपको स्मूथ स्क्रोलिंग तो आपको पहले भी देखने को मिलता था, अभी आपको एक स्लीप कैप्सूल देखने को मिलेगा, एक नया फीचर है। उसके साथ साथ जब आप वॉल्यूम अप करेंगे तो अभी आपको एक टोटल 4 देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन, म्यूज़िक और जो मीडिया और जो अलार्म। फेसबुक मैसेंजर में जैसे पॉपअप होता है ठीक वैसे आपका नॉर्मल मैसेजिंग एप्लीकेशन में भी एक फीचर है, जी हाँ कुछ वैसा ही है। बात करें रिसेंट एप्लीकेशन की, जब भी आप टैप करते हैं रिसेंट एप्लीकेशन में तो आपको अभी नीचे आइकॉन भी दिखेगा कि आपने कौन सा एप्लीकेशन खोला था, आप देख सकते हैं नीचे आपको आइकॉन भी शो कर रहा है और ऊपर आपको टैप भी शो कर रहा है, जो काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे ये वाला फीचर एक्चुअली, काफ़ी पसंद आया ये वाला। और जो नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ इस तरह से अलग करके आएगा, अल्टरनेटिंग नोटिफिकेशन करके, तो आप देख सकते हैं, और इधर से ही आप इसको डिलीट कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अभी ऐप ड्रॉअर में आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जी हाँ मैनेज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करना, उसके बाद आप पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन को ऐड या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा रियलमी C15 के ऊपर एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 बीटा अपडेट का फर्स्ट लुक। जी हाँ, बात करें स्टेबल अपडेट की तो स्टेबल अपडेट सबके लिए आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है, क्योंकि जब ये बीटा अपडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ सही रहेगा, तब कंपनी वाले हर रियलमी C15 के ऊपर ये स्टेबल अपडेट पुश कर देगा। क्योंकि C15 के ऊपर जो एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 वाला अपडेट है एक्चुअली बीटा अपडेट है, और इसमें क्या क्या चेंजेस है इसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर आगे करता रहूँगा। तब तक आप
वेट कीजिए जब तक स्टेबल अपडेट नहीं आ जाता। तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। आपको अच्छा लगता है प्लीज एक लाइक कर देना, और एक बार अगर हम चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा।